Hello there everyone, welcome back to Aesthetic Pattern. How are you all? I hope you all are doing well. So in today's aesthetic episode, we will talk about Biotic, which is an Indian brand. So let's start with the video. तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बायोटिक के बारे में जान लेते हैं। बायोटिक एक इंडियन ब्रांड है। इनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आयुर्वेदिक थेरेपीटिक रेमेडी होते हैं, जो कि इनको हर्ब्स और जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उनसे ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ये क्लेम करते हैं कि एक 100% वेजिटेरियन ब्रांड है। तो मैंने इनके कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, तो मैं आज उनका ही रिव्यू आपको देने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके पहले प्रोडक्ट से। पहला प्रोडक्ट है ये बायोटिक का शैम्पू। ये है बायोटिक बायो कैल प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट। तो मैंने कुछ आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने कुछ टाइम पहले इसको बाय किया था और मैं काफ़ी सारा ये यूज़ भी कर चुकी हूँ अभी तक। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू जब मैंने इसको बाय किया था। उससे पहले मैं खादी हर्बल के शैम्पू यूज़ कर रही थी, जो जिनका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ मेरी दूसरी वीडियो में। तो आपको यहाँ का ही लिंक पॉप आउट हो जाएगा, आप उनका भी रिव्यू जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये शैम्पू फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मुझे शैम्पू काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी अच्छे ज़्यादा पसंद आया था। और इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी थी, मतलब नॉर्मल एक जो फ्रेग्रेंस होती है जैसे हर्बल चीज़ों में जो आती है फ्रेग्रेंस, वैसी सी ही फ्रेग्रेंस थी। और शैम्पू जो था वो काफ़ी माइल्ड सा था, मेरे बालों पे बहुत अच्छे से इसने वर्क किया, और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत हद तक इससे दूर हो गई। यानी कि फर्स्ट वॉश के बाद से ही धीरे 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 करके जैसे मैं इसको यूज़ करती रही, तो इसकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई। और हाँ, बस एक चीज़ है, जैसे हर्बल चीज़ें जो होती हैं उनमें केमिकल्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो लेदर थोड़ा कम करती हैं। तो वही सेम चीज़ इसके साथ थी कि ये थोड़ा लेदर कम करता था, तो मेरे को ये लगता था कि पता नहीं बाल ठीक से साफ़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ऑयलिंग भी करते हैं अपने बालों में, जैसे कि मैं वीक में एक या दो बार ऑयलिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इससे अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो उसके ऑयल लगाने के बाद भी ये अच्छे से बालों को क्लीन कर देता है। यानी कि कहीं भी आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रह जाता है, बहुत अच्छे से ऑयल को रिमूव कर देता है बालों से। और हेयर फॉल तो मतलब इससे एकदम नाक के बराबर सा हो गया मेरा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये शैम्पू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला शैम्पू ट्राई किया था। इसके बाद मैंने इनके दो और शैम्पू ट्राई किए हैं, तो मैं उनका भी रिव्यू आगे वीडियो में बताऊंगी आपको। और ये वाला शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी, और आपके बालों पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। मेरे बालों पे तो बहुत अच्छा वर्क किया है। बायोटिक बायो हिना लीव फ्रेश टेक्सचर शैम्पू एंड कंडीशनर। तो मैंने ये शैम्पू जब बाय किया था, तो मैंने ये चीज़ देख के बाय किया था, जो ये वाला शैम्पू था ये सिर्फ शैम्पू ही है, इसमें कंडीशनर नहीं है। और जो ये वाला शैम्पू है इसमें कंडीशनर भी है साथ में, तो मैंने ये देख के बाय किया था ये वाला शैम्पू। इसमें क्या था कि मैं जब कंडीशनर लगाती हूँ तो जनरली मेरे बालों पे कंडीशनर सूट नहीं करता है मुझे, और मेरे ना हेयर फॉल होने लगते हैं। मैं स्कैल्प पे भी नहीं लगाती, क्योंकि स्कैल्प पे नहीं लगाया जाता है कंडीशनर, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा गिरने लगते हैं कंडीशनर यूज़ करने के बाद। तो मैंने वही देख के इसे बाय किया था। ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला भी शैम्पू, इनका बहुत अच्छा था, बालों पे बहुत अच्छा वर्क किया। और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद बाल बड़े सॉफ्ट से स्मूथ से उनका एकदम टेक्स्चर चेंज हो जाता है, यू नो, एकदम टेक्स्चर ऐसा सा हो जाता है कि मतलब काफ़ी इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा सा स्मूथनेस की तरफ चला जाता है। तो बहुत अच्छे स्मूथ से सॉफ्ट से आपके बाल हो जाते हैं। और दूसरी ये चीज़ कि इसको लगाने के बाद आपके बालों में कुछ 2 से 3 दिन तक अच्छी एक शाइन रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम शैम्पू कुछ यूज़ करते हैं तो लगाने के 1 से 2 दिन बाद ही सर गंदा हो जाता है और स्कैल्प हमारी ऑयली दिखने लगती है, वैसा नहीं होता इसके साथ। इसको लगाने के कुछ 1-2 दिन बाद भी 3 दिन तक भी काफ़ी अच्छा रहता है, और हमारी स्कैल्प जो है वो ऑयली नहीं होती, और जो हमारे बाल हैं वो भी काफ़ी अच्छे शाइनी से रहते हैं। तो वो चीज़ मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी, और प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये शैम्पू मेरे को काफ़ी सही लगा। बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस शैम्पू नहीं है ये,
और बालों को भी बहुत अच्छा कर देता है, स्मूथ बना देता है, सिल्की बना देता है। बस इसमें एक चीज़ मेरे को जो लगी वो ये थी कि जब आप ऑयल डालते हैं अपने बालों में, ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद इसको यूज़ करने के बाद थोड़ा थोड़ा किसी किसी जगह पे ऑयल मेरा रह जाता है, वो ठीक से निकल नहीं पाता, पता नहीं। अदर देन दैट ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा मुझे। आप जब इसे यूज़ करेंगे, आपको कंडीशनर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने के बाद, ऐसे ही आपके बालों को बहुत अच्छा टेक्सचर दे देता है और बहुत ही एकदम स्मूथ से और सॉफ्ट से आपके बालों को कर देता है और एक अच्छी सी शाइन भी देता है आपको आपके बालों को। तो आप प्लीज़ ये वाला शैम्पू ज़रूर 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 ट्राई। तो हाँ, मैं थर्ड शैम्पू की बात करूँगी, उसकी बॉटल मेरे पास नहीं है, वो मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था और वो ख़त्म भी हो गया, मैंने उसकी बॉटल फेंक दी थी, तो अब मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ। थर्ड शैम्पू है बायो मार्गोसा एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर। ये भी शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों था। इसकी मैं पिक्चर आपको यहाँ स्क्रीन पे दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये वाला शैम्पू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को सर्दियों के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है और पता नहीं मेरे आगे वाला ये जो एरिया है यहाँ पे पूरे में बहुत ज़्यादा इची सी स्कैल्प हो जाती है और एकदम ऐसा सा लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है स्कैल्प। तो मुझे सर्दियों के टाइम पे बिल्कुल भी शैम्पू जो है वो सूट नहीं करते हैं और डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे बालों में। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ और वो ऑयलिंग से भी कम नहीं होती है। तो जब मैंने ये वाला शैम्पू ट्राई किया तो मुझे ये शैम्पू काफ़ी हद तक पसंद आया और इसने जो डैंड्रफ है मेरे बालों को उसको भी काफ़ी हद तक कम कर दिया मेरे बालों में से। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ है, आप जब इस शैम्पू को यूज़ करेंगे उसके बाद आपको अपने बाल थोड़े से ड्राई फील हो सकते हैं, आपकी स्कैल्प नहीं सिर्फ जो बाल हैं वो आपको थोड़े से ड्राई फील हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो बाकी दोनों जो शैम्पू हैं उनको यूज़ करने के बाद वैसे नहीं लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये वाला शैम्पू यूज़ करने के बाद थोड़े से आपको आपके बाल ड्राई फील हो सकते हैं। अदर देन दैट आई लव दिस शैम्पू और बिल्कुल एकदम माइल्ड सा है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत ऐसी जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती है वैसी सी भी फ्रेग्रेंस नहीं है, एकदम लाइट सी अच्छी सी सूदिंग सी फ्रेग्रेंस है शैम्पू की। तो मुझे ये वाला शैम्पू भी काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी मैंने इनका ये एक बायो का मॉर्निंग नेक्टर ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये मैंने ट्राई किया था। इसका मैंने फुल रिव्यू अपने नायका हॉल वाली वीडियो में शेयर कर रखा है, तो अगर आपको वो देखनी है तो आपको यहाँ कहीं लिंक पॉप आउट हो जाएगा, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका फुल रिव्यू मैंने उस वीडियो में दे रखा है। और बाकी मेरे को इनके ये शैम्पू की रेंज बहुत अच्छी लगी, मुझे इनके तीनों ही शैम्पू बहुत ज़्यादा पसंद आए। इनफैक्ट आज भी मैंने अपने बालों को इस वाले शैम्पू से धोया है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हो जाते हैं इससे बाल क्लीन। मेरे को बहुत बहुत पसंद आया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फॉर नाउ।